गाना हम सुना सकते हैं। मैं तो बहुत सारा सुना सकता हूँ, लेकिन संचालक महोदय दीवार पहले ही लगा देते हैं, तो मैं सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, और नमन उन तमाम महामानवों को, महापुरुषों को, कबीर साहब को, संत रविदास जी को, महामना ज्योतिबा फूले गाड़गे महाराज और अनेकों अनेकों महापुरुषों को, जिन्होंने अपने ज्ञान से, अपनी वाणी से, अपनी विद्वत्ता से इस देश नहीं बल्कि संसार का अंधकार दूर करने का प्रयास किया है। मैं साधुवाद देता हूँ आज के इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले एक एक पुरुष को, महिला को, जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अपना सहयोग दिया है, आर्थिक रूप से दिया हो, समय दिया हो, या आज आकर यहाँ पर बैठे हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। आप सभी एक बार अपने लिए भी ताली बजा लीजिए। और इस मंगल अवसर की, जिसे देश नहीं बल्कि दुनिया में त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा क्या होती है, अभी मर्यादा अम्बेडकर जी ने भी बताया, यानी कि तीनों ही महान कार्य, जन्म बुद्ध का ज्ञान प्राप्त यानी कि बुद्ध बनना और महापरिनिर्वाण, तीनों एक ही पूर्णिमा को हुए वैसाख पूर्णिमा। इसे दुनिया में वैसाख डे के नाम से भी मनाते हैं, जैसे चाइना में, जापान में, बहुत सारे देशों में वैसाख डे से कहते हैं। तो आज का जो दिन है, ये जो ये समय चल रहा है, एक तो बड़ा सुंदर समय अब चल रहा है, हमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि इस समय प्रयासरत जितने भी लोग हैं, हमें भी कहीं से सीखने को मिला और फिर इस तरफ लग गए हम। जब हम लोगों को देखते हैं, रोजाना कार्यक्रम चल रहे हैं, अभी परसों भी कार्यक्रम था, हमने भी हापुड़ में किया, हापुड़ में उस दिन लगभग 6 कार्यक्रम थे, दिल्ली में अभी कार्यक्रम था, सुबह भी मेहरौली में कार्यक्रम था, वहाँ भी जाने का अवसर मिला हमें। तो ये एक सुंदर और बहुत ही संकेत, इसे शुभ कह सकते हैं, या मंगल, हमारे शब्दों में कहें तो मंगल संदेश, क्योंकि शब्दों का दुनिया में बड़ा महत्व है। और हमारी लड़ाई संस्कारों की ही है, हमारा जो शोषण है वो आर्थिक तो है ही, शिक्षित तो है, शैक्षिक तो है ही, लेकिन वो सब इसलिए है ताकि हम संस्कार विहीन हो जाए, और हम संस्कार विहीन हो गए इसलिए आज हमारा शोषण होता है, क्योंकि दुनिया में संस्कारी पुरुष या महिला या ट्रांसजेंडर या कोई भी जेंडर दुनिया में वही सम्मान का पता लगा सकता है, अपमान का एहसास कर सकता है जिसमें संस्कार हो। या कोई पगलेट पता लगा सकता है कि उसका बेइज्जती हुई है, सम्मान हुआ, नहीं लगा सकता। तो इसलिए इस समाज को सदियों तक संस्कार विहीन किया ताकि इसे पता ही ना चले किसका अपमान हो रहा है या सम्मान हो रहा है। और आज भी बड़ा दुख होता है जब पढ़े पढ़े लिखे लोगों को, मेरे कई साथी इस बात को कहते हैं, मैं उनकी बात को ना तो पाट रहा हूँ और ना मैं इस बात को साबित कर रहा हूँ कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हम शब्दों का बड़ा ध्यान रखें। कौन से शब्दों का? एक शब्द मुझे अक्सर सुनने को मिलता है कि बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब है क्या, क्या बताते हैं लोग कि मैं अपनी बुद्ध। कितने लोग इससे सहमत है? क्योंकि संस्कार की बात हो रही है तो इसको थोड़ा सा क्लियर करना जरूरी है। कितने लोग सहमत है इससे कि ये सही है? अच्छा, एक भी नहीं उठा, डर रहे कि यार गलत तो नहीं। नहीं, हमें एग्जाम नहीं हो रहा, कुछ चीजें हमें ना एनालाइज करनी पड़ती हैं, वो जरूरी है, तभी हम चीजों को क्लियर कर पाएंगे। तो ये गलत एकदम प्रोनंसिएशन है, सॉरी गलत ट्रांसलेशन है, प्रोनंसिएशन नहीं ट्रांसलेशन। क्यों है? एक साइंटिस्ट वैज्ञानिक इसरो में है, रॉकेट बनाता है, क्या बिना बुद्धि के बना दिया उसने? हाँ जी, लेकिन छाती में विश्वास करता है, नारियल पहले फोड़ता है, आसमान में रॉकेट भेज रहा है, नारियल फोड़ रहा है, एक पंडित से वो निकलवा रहा है मुहूर्त, तो क्या वो अपनी बुद्धि की शरण नहीं गया? क्या वो बुद्धि का प्रयोग
एक महिला डॉक्टर है, अच्छा खासा इलाज करती है, यानी कि साइकेट्रिक क्या बोलते हैं उसको बोला भी नहीं जाता, इतनी महान डॉक्टर है, मनोवैज्ञानिक की डॉक्टर है, दिमाग की। क्या वो बुद्धि की शरण नहीं है? घर में जाके वो पूरा दिन व्रत इसलिए रखती है क्योंकि उसे किसी को खुश करना है, देवी देवताओं को, उसके घर की तरक्की होगी। किससे किससे होगी? मुझे लगता है व्रत से होगी। क्या ऐसा ठीक है? असल में जो सही अनुवाद है वो क्या है? मैं उस बुद्ध की शरण जाता हूं या जाती हूं। सम्यक संबुद्ध है जो, कौन है? इति पोषे भगवा अरहम सम्मा संबुद्धो विच्छा चरण संपन्नो सगुतो लोक विदु अनुत्तरो पुरी से धम्मा सारथी सत्ता देव मनुष्यानम बुद्धो भवता की। जिसमें नौ गुण, नौ क्वालिटी, ये नौ क्वालिटी जो मैंने बोली पाली में, जिसमें नौ क्वालिटी है, नौ गुण है, मैं उनकी शरण जाता हूं या जाती हूं। क्यों जाता हूं? अब मैं अनपढ़ हूं, बिल्कुल निपट कबीर साहब की तरह एकदम अनघर, कुछ नहीं पता किताब क्या होती है, कुछ नहीं पता साहित्य क्या होता है, शास्त्र क्या होता है, कुछ नहीं पता। लेकिन कितना पता है कि पूरे दिन भूखा रहने से कैसे, क्या कहा कबीर साहब ने, क्या कहा कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और वासे से चाकी धली चाका पिसा खाए संसार। इसे कहते हैं बुद्ध की शरण जाना, बुद्धि की शरण जाना। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ गए तो बुद्धि की शरण तो सभी है। चोर भी बुद्धि की शरण जाता है, अपनी बुद्धि से चोरी करता है। लूट बलूट खसोट करने वाले, बेईमानी करने वाले, गलत कार्य करने वाले सब, लेकिन उस बुद्ध की शरण से जाता है वो गलत और सही का सही मायने में अंदाजा और पता लगाकर उस रास्ते पर चलता है। और कैसे चलता है? एक महिला, छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाने का बस प्रयास करूंगा, नहीं तो हमारे अभी संचालक वहां तक बिजी है, तब तक बता दूं आपको। एक बार क्या हुआ, तीन भाई बुद्ध जब बने, जब बुद्ध हो गए सम्यक संबुद्ध, तो दुनिया में धीरे धीरे ख्याति फैलने लगी, क्योंकि जब कहीं फूल उगता है ना गुलाब का, तो उसकी खुशबू अपने आप फैलती है। जब चांद निकलता है तो उसकी शीतलता अपने आप फैलती है, उसकी धूप को रोक नहीं सकता, उसकी रोशनी को अपनी आंखें बंद कर सकता है, अपने को छुपा सकता है उससे दूर करके, लेकिन उसे नहीं रोक सकता। तो बुद्ध का भी शिक्षाओं का महक खुशबू फैलने लगी दुनिया में। तो तीन भाई गुरुवेल कश्यप, गया कश्यप, नदी कश्यप, तीनों बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, जटिल लंबी लंबी चटाई रखते थे, तो उन्हें क्या कहते थे, जटिल। तीनों तपस्या करते थे, हवन करते थे। हवन इसलिए करते थे, यज्ञ हवन की, लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को स्वर्ग में भेजने के लिए, उनके कर्म अच्छे करने के लिए और अपने आप को भी ऊंचा उठाने के लिए। तो बुद्ध क्या थे? बुद्ध कोई, आज हम बहुत ज्यादा ऐसे लगता है जैसे बुद्ध कभी किसी से मिलने नहीं गए होंगे, कि बुद्ध के पास ही लोग आए होंगे ना। बुद्ध बिल्कुल एक आम बंदे की तरह रहते थे। आज के बंदे तो फिर भी वीआईपी है, कोशिश करते हैं कि गाड़ी में चले, है ना, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन बुद्ध क्या है, पैदल ही पूरा देश ना पाए उन्होंने, रुकते नहीं थे। पता लगा इनके साथ 200-250 लोग रहते हैं, तीनों भाइयों के साथ, तीनों के अलग अलग शिष्य थे, तो कहा मैं इनसे बात करूंगा, मिलना चाहता हूँ। चले गए। एक दिन सबसे बड़ा भाई गुरुवेल कश्यप, एक नदी थी, नदी के किनारे तीनों अपना हवन यज्ञ करते थे अपने शिष्यों के साथ, गए और एक बड़े भाई से मिले, गुरुवेल कश्यप से पूछा, हे जटिल, हे मुनि, आप क्या करते हो? उसने कहा, शास्त्रा, हम हवन हवन यज्ञ करते हैं। किसके लिए करते हो हवन यज्ञ? बुद्ध ने पूछा कि हम लोगों के कर्म अच्छे करने के लिए, लोगों के जीवन में खुशहाली के लिए, लोगों को स्वर्ग में पहुंचाने के लिए, ताकि मरने के बाद उन्हें स्वर्ग प्राप्ति हो, उसके लिए आदमी की आत्मशुद्धि के लिए हवन करते हैं और मंत्रोच्चारण करते हैं। तो बुद्ध ने कहा, बहुत अच्छे, आप तो बहुत मंगल कार्य करते हैं, मानव हित के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुनि, मुझे जरा बताइए, ये जो नदी है,
क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूं, अगर इस नदी को पार करना हो तो कौन कौन से रास्ते हैं ऐसे जिससे इस नदी को पार किया जा सकता है? उर्वशी कश्यप ने कहा, ये तो बहुत आसान जवाब है इसमें तथागत कि अगर नदी में पानी कम है तो आप पैदल जा सकते हैं, पानी ज्यादा है तो आप नौका का प्रयोग कर सकते हैं, इससे आप नदी पार कर सकते हैं। तो बुद्ध ने कहा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर विचार, आप एकदम सटीक बोले हैं, लेकिन मुझे बताइए क्या दुनिया में या आपके पास कोई ऐसा यवन यज्ञ, कोई मंत्र, कोई पूजा, कोई अनुष्ठान है जो किया जाए या मंत्रोच्चारण करके ये कहा जाए कि ऐ नदी के किनारे उस पार के किनारे तू इस तरफ आ जा, ऐ नदी के इस पार के किनारे तू उस तरफ चला जा, क्या ऐसा कोई मंत्र यज्ञ हवन है? उर्वशी कश्यप सोच में पड़ गए, बोले शास्त्रा ऐसा तो कोई मंत्र हमारे पास नहीं है और ऐसा कैसे संभव है नदी का वो किनारा इस पार आ जाएगा? तो बुद्ध मुस्कुराए और कहे कि आप तो मनुष्य को जीवन की नैया पार कराने का कार्य कर रहे हो, जीवन की इस जीवन से आगे तक स्वर्ग में पहुंचा रहे हो, लेकिन ये सामने नदी है इसे पार कराने का आपके पास कोई साधन नहीं है। वो बड़ा आश्चर्य में पड़ा, बात तो सही है। तो बुद्ध ने कहा कि दुनिया में कोई भी अनुष्ठान इंसान को ऊपर नहीं उठा सकता, ऊंचा इंसान को सिर्फ क्या उठा सकता है, उसके कर्म, और सिर्फ कर्म नहीं, इतने पे नहीं, क्योंकि कर्म तो चोर भी कर रहा है, कौन सा कर्म जिसमें प्रज्ञा हो, सील हो, जिसमें चेतना हो, नैतिकता हो और समाज अपना नहीं सबका मंगल हो। और जब हम सबके मंगल की बात करते हैं ना, तो अपना मंगल भी, दुनिया में बुद्ध की शिक्षा वहां कतई अप्लाई नहीं होती कि मैं सबके लिए बर्बाद हो जाऊं, नहीं, अगर तुम बर्बाद हो